अजीम जंग गज़वे बद्र है, हम पता नहीं कौन कौन सी लड़ाइयां लेकर के बैठ जा रहे हैं। और रसूल ये फरमाया कि सबसे बड़े शहीद ये हैं। कौन से बड़े शहीद हैं? सैयदुश्शोहदा कौन है? सैयदुश्शोहदा कौन? हजरत हमजा है, हजरत हमजा। ये नबी ने कहा, दलील दलील ये हदीस पाक। वान अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुश्शुहदा हमज़तु इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। रवाहु तबरानी फिल मुअज्जमिल कबीर वक़ाल अल अल्बानी हादा हदीसुन हसनुन। हजरत इमाम अल्बानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है। और रावी कौन है? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अब्बा हैं, हजरत अली इब्ने तालिब इब्ने अबी तालिब हजरत हुसैन के अब्बा हैं। कौन? हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने, वो इस रिवायत के रावी है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम शहीदों के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब है। अल्लाहू अकबर। तमाम शहीदों के सरदार कौन? हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला। और सबसे बड़ी जंग कौन सी? सबसे अफजल जंग कौन सी? और जिस जंग के अंदर जितने शरीक हुए तमाम मुसलमानों में अफजल कौन? ये अहले बद्र और गजवे बद्र सबसे अजीम लड़ाई। यहां तक के इस जंग में जितने फरिश्ते आए तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल करार दिए गए। ये जंग है। इस वजह से हमने सोचा कि इस जंग की अहमियत आपके सामने बयान करें कि ये जंग कैसी है। अच्छा।